दोस्तों आईपीएल 2021 का रिमेनिंग सीजन हम सभी को मोस्ट प्रोबेबली सितंबर के महीने में देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों उससे पहले ही आरसीबी की टीम के लिए आज बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। और दोस्तों ये खबर जुड़ी है पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को लेकर। दोस्तों मोहम्मद आमिर ने 2020 के एंड में रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी, लेकिन दोस्तों हाल ही इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो दोस्तों इंग्लैंड देश की नागरिकता यानी कि इंग्लैंड की सिटीजनशिप लेने वाले हैं, जिसके बाद दोस्तों वो इंग्लैंड के नागरिक घोषित कर दिए जाएंगे और आईपीएल में शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। मोहम्मद आमिर की उम्र दोस्तों अभी केवल 26 साल है और 26 साल की उम्र में दोस्तों अभी ये एकदम फिट है और हम सभी ने दोस्तों इनको देखा भी है। भारत के खिलाफ इनका परफॉर्मेंस हमेशा से बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रहा है और अगर दोस्तों ये आईपीएल में आते हैं तो आरसीबी की टीम इनको अपनी टीम में शामिल करने के लिए पूरी कोशिश करने वाली है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता ही होगा विराट कोहली के वन ऑफ द फेवरेट बॉलर है मोहम्मद आमिर। और दोस्तों ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है जो कि दोस्तों यहाँ पे आरसीबी की टीम को जरूरत भी है, तो आरसीबी की टीम दोस्तों इनको ऑक्शन में जरूर शामिल करेगी। और केवल आरसीबी नहीं दोस्तों, अगर ये ऑक्शन में आते हैं तो बहुत सी टीमें इनके पीछे जाने वाली है और उससे किसके हाथ लगते हैं ये तो वैसे हम सभी को आईपीएल 2022 के ऑक्शन में ही पता चलेगा। आप लोग दोस्तों मोहम्मद आमिर को कौन सी टीम में खेलते हुए देखना चाहोगे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन दोस्तों ये कि आईपीएल 2022 से पहले आरसीबी की टीम के लिए खेल सकते हैं, इसके ऊपर दोस्तों बहुत ही बड़ा सवाल है, क्योंकि दोस्तों आरसीबी की टीम के काइल जेमिसन यहां पे आईपीएल का रिमेनिंग सीजन मिस करने वाले हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी दोस्तों आईपीएल के रिमेनिंग सीजन यहां पे नहीं खेलने वाले, ऐसे दोस्तों न्यूज निकल के आ रही है। तो ऐसे में गाइस क्या यहां पे मोहम्मद आमिर काइल जेमिसन का रिप्लेसमेंट बनके आरसीबी की टीम में शामिल हो सकते हैं, इसके ऊपर दोस्तों यहां पे बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। अगर दोस्तों मोहम्मद आमिर को इंग्लैंड की नागरिकता मिल जाती है अगले 2-3 महीने में तो गाइस यहां पे ये पूरी तरीके से आईपीएल में शामिल हो सकते हैं और आरसीबी की टीम इनको एज अ रिप्लेसमेंट भी शामिल कर सकती है। लेकिन दोस्तों अगर इनको नागरिकता नहीं मिलती तो गाइस ये पाकिस्तानी खिलाड़ी माने जाएंगे, जिसके बाद दोस्तों रूल्स के हिसाब से यहां पे आईपीएल में ये शामिल नहीं हो सकते। लेकिन अगर दोस्तों इनको नागरिकता मिल जाती है तो गाइस नियमों के हिसाब से ये इंग्लैंड के नागरिक माने जाएंगे और आईपीएल 2021 में दोस्तों ये आरसीबी की टीम के लिए एज अ रिप्लेसमेंट प्लेयर भी शामिल हो सकते हैं। तो इस सीजन तो दोस्तों इनका आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन आईपीएल 2022 में गाइस ये मोस्ट प्रोबेबली ऑक्शन का हिस्सा होने वाले हैं। अब गाइस हम बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की, और दोस्तों ये खबर नहीं है एक हिस्ट्री है। यहाँ पे दोस्तों आज के दिन आरसीबी की टीम के कप्तान विराट कोहली और मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स की 229 रन की पार्टनरशिप हुई थी, जहाँ पे दोस्तों 97 गेंदों पे दोनों खिलाड़ियों ने 229 रन की महान पार्टनरशिप करी थी। और इस पार्टनरशिप में दोस्तों विराट कोहली और एबी डिविलियर्स दोनों ने ही सेंचुरी मारी थी। साथ में गाइस आज ही के दिन आरसीबी की टीम 144 रन से मैच जीती थी, जो कि दोस्तों अभी तक सबसे बड़ी जीत है आरसीबी की टीम के लिए। तो गाइस इस पार्टनरशिप के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और दोस्तों आरसीबी की टीम के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आरसीबी की टीम की सारी अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेगी। अब गाइस वीडियो को करते हैं एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।